आज बनाया आलू मटर की सब्जी और रोटी। ऐसे ग्रेवी वाला बेटी का पसंद है। आलू मटर की सूखी सब्जी, रोटी और सलाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और छुट्टी का दिन। बच्चे लोग को बेटा का एग्ज़ाम था और दे दिया और आज आराम आराम से काम हो रहा है। और मेरा नियरेस्ट एक फैमिली रहता है लंबा में, आए थे आज तो लोग को सब्जी बात करना। और मैं जो पापड़ बनाया था ना, वो सब वो लोग को फ्राई करके खिलाया, बहुत पसंद आया। और बोल रहे हैं रेसिपी चाहिए, तो अभी तक दिया नहीं। वो रेसिपी मुझे अपलोड करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। चलो पहले लंच कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे। हाय फ्रेंड, आप लोग देख ही सकते हैं मैं किचन में हूँ। तो किचन में क्या कर रही है पता है? एक मार्बल केक बना रही हूँ चालू है। और चूड़ा बनाऊंगी, मकाई चूड़ा। ये देखिए कढ़ाई में बेक हो रहा है रेड वेलवेट मार्बल केक। और इधर ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। ये है मकाई और ये सब और बहुत सारा चीज़ ऐड करूँगी ब्राइड में। तो चलो मकाई पोहा बना लेती हूँ। पहले ऑयल बहुत गर्म हो गया, तो जैसे ऑयल में बना ऐसे जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसे मकाई पोहा बना लेती हूँ। मकाई पोहा और स्पिनाच, चना दाल, रोस्टेड चना दाल को और फ्राई किया। उसके साथ जो मसाला आता है ना रेडीमेड, वही मसाला चूड़ा मसाला ऐड करूँगी। और थोड़ा सा नमक और शुगर ऐड करके मिक्स करके गरम जैसे है उसमें मिक्स करते जाने का, तो बहुत ही अच्छी तरह से सारे चीज़ मिक्स हो जाते हैं। और आप लोग चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग के पास ये मसाला नहीं रहेगा तो रेड चिली, नमक, सारे मसाला ऐड करके मिक्स कर लिया। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। ये सब लोग दिवाली में बनाते हैं, मेरा घर में तो हर दिन दिवाली होता है, तो ऐसे मैं बनाते रहती हूँ क्योंकि बच्चे लोग हेल्दी है और ऐसे बना के रखेंगे तो अभी भी छोटा मोटा भूख में खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो बन गया। और इधर दिखाती हूँ, केक भी ऑलरेडी बन गया। वाह मस्त हो। अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट मकाई चूड़ा बन गया। कैसे लग रहा है बेटा? स्वादिष्ट लग रहा है। और बिटिया रानी? बहुत अच्छा, हस्बैंड तो मांग रहे हैं डिलीशियस। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। शुगर, चीनी शक्कर का पाउडर और जो फ्लेवर का पसंद है, मैगी फ्लेवर पसंद है तो मैगी का जो मसाला आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फ्लेवर में बन जाएगा मकाई पोहा। तो चलो पहले मसाला ऐड कर देती हूँ गर्मा गर्म और मिक्स कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड, तो अभी देख ही सकते हैं मैं टेरिस पे आ गई। और टेरिस पे आते ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि टेरिस पे इतना अच्छी हवा दे रहा है ना, फ्रेश एयर, बहुत अच्छा लगता है। तो वॉकिंग करने आया तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को दिखाओ और बातें करो थोड़ा। आज कल है वैलेंटाइंस डे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑफिस किचन में नहीं देख दिया, बहुत सारा रेसिपी वैलेंटाइंस डे स्पेशल दिया है, बिस्किट दिया है, केक दिया है, कप केक और बहुत सारा वेराइटीज़ है। तो आप लोग ऑफिस किचन में विजिट करके देख सकते हैं। और आज मैं बनाया क्या बनाऊँ सोचते बैठा दोपहर को, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और माइंड करती हूँ क्या वीडियो बनाऊँ। तो मैं सोचा क्या बनाऊँ, हर चीज़ तो हो गया मेरा। तो मैं सोचा अच्छे मार्बल केक नहीं हुआ, वो जो जेब्रा टाइप का होता है ना, तो चॉकलेट से भी बनता है, तो वैसे क्यों ना आज दो कलर में, रेड एंड वाइट कलर में बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे बनाया और वीडियो बनाया, कल मिल जाएगा आप लोग को उस किचन में।
आज जो बनाया और बनाया मक्के का पोहा। हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, तो अभी आज याद करके दिया, तो मैं बोला पहले वो करूँगी क्योंकि किसी को पसंद है जो मुझे बताते हैं करो करके, तो मैं पहले करती हूँ क्योंकि काम काम में भूल जाऊंगी और हस्बैंड को मन दुखाऊंगी। नहीं ना, किसी को नहीं, बच्चे लोग को भी नहीं, जो बोलता है जो खाना पसंद करते हैं ना, मैं वही बना देती हूँ और मेरा पसंद का कुछ नहीं रहता है क्योंकि वो लोग को पसंद बनाते बनाते जो बनता है वही खा लेती हूँ मैं, और मेरा क्या और पसंद और नापसंद करूँ क्योंकि इतना तो टाइम नहीं मिलता है। घर का सब काम रहता है, बच्चे लोग को पढ़ाना रहता है और टाइम टू टाइम सब कुछ करना रहता है ना, तो इसके लिए नहीं होता। तो ठीक है, जो होता है सबके लिए तो वही खा लेती हूँ। और वीडियो के लिए तो बहुत खाल, तो जो बटर फिश बनाया ना, सच्ची में आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इतना टेस्टी बना, चिकन भी आप लोग भूल जाएंगे बटर फिश खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बना। आज भी दोपहर को हस्बैंड फ़ोन करके भी तारीफ़ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, वापस कभी कभी बना के खिलाऊंगी। एक्चुअली बटर काजू सब रहेगा तो खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं ना। ज़्यादा ऑयली नहीं किया, बट वो सब थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का, और इतना टेस्टी बना ना, जो नई फिश खाता है वो भी चाव से फिश खाएगा। ऐसा नहीं, भेज का भी कुछ बनाऊंगी माइंड में है, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोलेंगे बटर चिकन बटर पीस ऐसे बना रहे, तो बटर वेजिटेबल कुछ बनाऊंगी, मिक्स्ड वेजिटेबल, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अभी गले के वॉइस थोड़ा कैसे हो रहा है, क्यों मैं वॉकिंग भी कर रहे हैं और आप लोग के साथ बातें भी कर रहे हैं। अभी जाके माइंड में अभी सोच लूँगी क्या बनाओ रात को खाने पे, तो वीडियो बनाना हो जाएगा और हम लोग को डिनर भी हो जाएगा, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। और कुछ माइंड नहीं होगा तो जो लोग जो बोलेगा वही बना दूँगी, और क्या। कभी कभी क्या माइंड करके रखती हूँ आज ये वीडियो बनाऊँगी और वही हो जाएगा रात को खाना, वीडियो बनाया तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। और कुछ माइंड में नहीं आता वीडियो का। क्या कर रहे हैं बिटिया रानी? कुछ नहीं, खेल रही हूँ। और माइंड में कुछ नहीं आया तो ये लोग जो बोलते हैं ना वही बना देते हैं, तो देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं, मिस्टर जो बोलेंगे बना दूँगी, ऐसा कुछ नहीं। आज संडे है, क्या बन खाना चाहते हैं वो पहले पूछना चाहिए। तो चलो पहले जोरों जोरों से वॉकिंग कर ली तू, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही तो 7 बजने आया, तो पहले वॉकिंग कर ली तू। कोई तो आया है तो चलो बाद में बात करेंगे, वो लोग को साथ भी बात करना पड़ेगा ना। आज बनाया करेला फ्राई, दाल राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल और बॉइल्ड एग, और ये है ओनियन। आज के डिनर पे इतना ही। पेरिस घूमने गया था, आके फिर खाना बनाया और बेटी का पढ़ाई लिया, बस मिस्टर आ गया, अभी हम लोग खाना एक को बैठ गया। अभी टाइम हो गया, 10 बज गया है ना। भाजी मस्त है, भाजी एकदम फटाफट है। और तुम्हारा कौन सा अच्छा लग रहा है? करला फ्राई। करला फ्राई तो है। करला माय फेवरेट। साथ में पालों का मिक्स भाजी। वो भी नाइस। मुझे करला बहुत ज्यादा पसंद है। बच्चा लोग करला नहीं खाना चाहता है ना? लेकिन हम मेरा बच्चा खाते हैं सब कुछ। वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेजिटेबल भी खाते हैं, करेले भी खाते हैं। करेले जूस पीते हैं। मेरा लड़का तो करेले के जूस पीता है।
तेरा करेला का कहानी बताओ क्या? मैं बताती हूँ। एक बार मम्मी को उसने बोला कि करेले का जूस बना दो, मम्मी ने बना दिया। जब एक जो थोड़ा सा पिया ना, उसके बाद बोल तुरंत निकाल दिया, बोला कि मुझे नहीं खाना। तब से करेला आज तक खाया तक नहीं, टच तक नहीं किया। अभी थोड़ा थोड़ा खाने लग गया। नहीं 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 खाने लग गया। देखो करेला ऐसे खाते हैं। अभी मैं बताऊं, बहुत छोटी थे ना, तो करेला ऐसे फ्राई करके रखेंगे ना, तो चिप्स बोल के खाते थे बहुत मजे से। एक दिन किसी को बस सुना होगा जो करेला का जूस, जो लोग को डायबिटीज रहते ना, वो लोग करेला का जूस पीते हैं। तो फिर वो सुना तो उसको भी जीत किया, ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा होगा। बहुत छोटी थी तभी। फिर मैं बोला नहीं मत खा, खाएगा तो तू करेला छोड़ ही देगा। नहीं बहुत जिद किया, वो बहुत जिद्दी है बेटा मेरा। तो फिर मैं बना दिया, एक गुट में बहुत सारा पी गया। बाद में इतना कड़बल लगा, पूरी बनना चालू कर दिया, पूरे जूस का नाश। मुंह में क्या दू और क्या नहीं, ऐसे हो क्या हाल, एकदम ब्रेक डांस। फिर बाद में करेला देखेगा तो बहुत लंबा भाग देता, खाना तो दूर का बात है। फिर बड़ा होने के बाद अभी अभी थोड़ा बहुत खाने लगा फिर से। मम्मी को करेला जूस नहीं खाएगा। मैं अभी करेला फ्राई करता है। एकदम कुछ नहीं करेगा तो इसे बॉयल बना देती हूँ, ऑमलेट से बेटर है ना। तो इसे और कल है वैलेंटाइंस डे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऐसे तो माइंड कुछ नहीं है, पिछले साल किया था, अभी ये साल इतना माइंड नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग साथ में रहिए, बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।